नमस्कार, आप बिहारी न्यूज़ देख रहे हैं। मेरा नाम निशा ओझा है। इस मॉडर्न युग में हम ऑनलाइन फूड के आदि हो चुके हैं। फ़ोन से ऑर्डर किया और खाना तुरंत घर पहुंच गया। लेकिन आप जानते हैं कि एक डिलीवरी बॉय को 5-स्टार रेटिंग लेना कितना ज़रूरी होता है और इसके लिए उन्हें चाहे तेज़ बारिश हो या ट्रैफिक की लंबी लाइन, उसका सामना करके आप तक पहुँचना पड़ता है। इन दिनों स्विगी का एक डिलीवरी बॉय सोशल मीडिया पर काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है। कारण है उसका व्यवहार। हम कितनी बार डिलीवरी बॉय से बात करते हैं या दरवाजे पर उसके खड़े होने के बाद उससे ये पूछते हैं कि आप पानी लेंगे या नहीं? शायद कभी नहीं। एक बेंगलुरु के शख्स ने डिलीवरी बॉय की स्टोरी को शेयर किया है। रोहित बेंगलुरु के रहने वाले हैं और उन्होंने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पर एक स्टोरी शेयर की जो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है। उन्होंने एक डिलीवरी बॉय के साथ दिल छू लेने वाली पूरी बातचीत को लिंक्डइन पे शेयर किया है। पोस्ट में रोहित ने बताया कि कैसे एक डिलीवरी बॉय लंबे इंतज़ार के बाद उनके घर पहुँचे। वो बार बार उन्हें फ़ोन कर रहे थे, लेकिन डिलीवरी बॉय बड़ी विनम्रता से ये कह रहा था कि सर, बस 5 मिनट में आपके दरवाजे पर पहुँच जाऊँगा। उन्हें देखकर विनम्रता से मुस्कुराया भी। जो बात रोहित ने शेयर की वो पढ़ना चाहिए। रोहित ने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में लिखा, जब मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा एक व्यक्ति अपने हाथ में ऑर्डर लेकर मुझे मुस्कुराते हुए देख रहा है। उम्र लगभग 40 साल की होगी। शख्स के भूरे बाल थे। बैसाखी के सहारे खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था और मुझे देख करके मुस्कुरा रहा था। मैंने इसे खूब परेशान किया। जब डिलीवरी में लेट हुई तो 4-5 बार कॉल भी किया, लेकिन हर बार इसने बड़े सजगता के साथ कहा, सर बस 5 मिनट में आपके दरवाजे पर पहुंच जाऊंगा। मैं 1 सेकंड के लिए सन रह गया। मैं आराम से बिस्तर पर बैठ गया और बैठकर ये सोचने लगा कि मैं बेवकूफ़ था जो मैंने ऑर्डर किया। रोहित ने कहा कि मैंने ये सोचा कि इस ऑर्डर को मुझ तक पहुंचाने के लिए उन्हें कितना ज़्यादा संघर्ष से गुजरना होगा, उन्हें कितने ज़्यादा संघर्षों से गुजरना पड़ा होगा। मैंने तुरंत उनसे माफ़ी मांगी और बातचीत करने की कोशिश की। रोहित ने कहा कि कृपनानंद की महामारी में नौकरी चली गई थी और नौकरी जाने के बाद उन्होंने एक डिलीवरी मैन के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। मैंने उनसे पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं, तो उन्होंने बताया कि मेरे 3 बच्चे हैं, लेकिन किसी को भी मैं बेहतर शिक्षा नहीं दे पा रहा हूँ। हमने लगभग 3 मिनट की बातचीत की और इस बातचीत में उन्होंने मुझे ये सब कुछ बताया। बस इतना बात हो ही रहा था कि अचानक से उन्होंने मुझसे कहा कि सर, मुझे अपनी अगली डिलीवरी के लिए देर हो रही है। कृष्णप्पा ने अपने पीछे बहुत सारे सवाल छोड़ दिए जिनका जवाब मैं अभी भी ढूंढ रहा हूँ और ये सोच रहा हूँ कि वास्तव में ये जवाब कितने ज़्यादा कठिन होंगे। रोहित के द्वारा स्टोरी शेयर करने के बाद फिलहाल ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रोहित ने लोगों से ये अपील भी की है कि क्राउड फंडिंग के थ्रू इनकी मदद की जाए। ना जाने कितने ऐसे डिलीवरी बॉय हैं जिनकी अनटोल्ड स्टोरी है, लेकिन उनकी स्टोरी किसी को नहीं पता। कृष्णप्पा उनमें से ही एक हैं जिनकी स्टोरी फिलहाल सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है और उनकी ये फ़ोटो भी लोगों को खूब पसंद आ रही है। बहरहाल, आप तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बिहारी न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें।